विक्रांत मैसी बॉलीवुड के वो सितारे हैं जो अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। सेक्टर 36 और 12th फेल जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके विक्रांत अब एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं। विक्रांत मैसी के फैंस के लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। द साबरमती रिपोर्ट की रिलीज डेट आ गई है और ये फिल्म दिवाली के बाद सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। ये फिल्म 27 जनवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में हुई घटना पर आधारित है। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है और दर्शकों को इस घटना की एक झलक दिखा चुका है। ये फिल्म विक्रांत मैसी की 12th फेल के बाद पहली थिएटर आउटिंग है। जैसे सेक्टर 36 और 12th फेल ने हमें हिलाकर रख दिया था, द साबरमती रिपोर्ट भी किसी सच्ची कहानी की तरह हमारे दिलों को छूने आ रही है। ये फिल्में इतनी लोकप्रिय हो रही है कि मेकर्स अब और इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में एक नया धमाका होने वाला है। विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिधि डोगरा स्टारर द साबरमती रिपोर्ट की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के साथ लोगों में एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। एक और धमाकेदार कहानी के लिए द साबरमती रिपोर्ट नाम की ये फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और विकी फिल्म प्रोडक्शन का ताजा तोहफा है। इस फिल्म में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिधि डोगरा जैसे बड़े बड़े सितारे अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर रहे हैं। धीरज सरना ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अमोल वी मोहन और अंशुल मोहन ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। ऐसे ही मूवी न्यूज अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।